बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू राह स्टिचेस। अच्छा जी, आपको दो सूट्स की मैं डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, स्टिचिंग आइडिया दूंगी इन दोनों सूट्स का। तो पहला सूट जो है ये ब्लू और वाइट कलर का है, ठीक है। और इसकी जो शलवार है इसका पांचा चौड़ा बनाया है और इस चौड़े पांचे के किनारे पे भी शटर लेस लगाई वाइट कलर की, और जहाँ पे पांचा जहाँ तक चौड़ा है वहाँ पे भी डबल किनारी वाली शटर लेस ही लगाई है। और ये देखिए बहुत सिंपल और बड़ा एलिगेंट सा ये वाला पांचा स्टाइल बना है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगा। शलवार भी कभी कभी बनानी चाहिए। अच्छा, ये इसकी नेक लाइन है शर्ट की, तो ये जो शर्ट प्रिंटेड शर्ट है तो इसकी देखिए मैंने वी प्लेकेट बनाई, वी प्लेकेट के अंदर की तरफ वाइट कलर की पाइपिंग लगाई है, ठीक है। और प्लेकेट के बाहर की तरफ जो है शटर लेस लगाई, और इस शर्ट की दोनों साइडों पे जैसे कुर्ते की क्रीजें होती हैं इस तरह से ये वाली डबल किनारी वाली लेस लगाई है, लेकिन ऊपर रख के लगाई है, इसको कटिंग नहीं किया, ठीक है, कटिंग किए बगैर ही लगाई। और नीचे की तरफ बॉर्डर 6-7 इंच का कटिंग करके तो फिर इस बॉर्डर के अंदर ये वाली लेस जो है लगाई, जोड़ में लगाई है, ठीक है, कटिंग करके, और नीचे की तरफ थोड़ी सी चौड़ी लेस लगाई वाइट कलर में। तो इस तरह से इस शर्ट की डिज़ाइनिंग की है। और ये इसके देखिए स्लीव हैं इस शर्ट के, और बिल्कुल जिस तरह से शलवार के पांचे बनाए हैं सेम वही डिज़ाइन जो है स्लीव के ऊपर बनाया है, और बहुत प्यारा ये सूट बना है, बड़ा एलिगेंट सा। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती, तो इस तरह के डिज़ाइन कीजिए। ये टू पीस सूट था और इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा मैच किया, तो अच्छा। ये सेकंड सूट है, और ये जो सेकंड सूट है इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र है, और इस वाइट ट्राउज़र कैप्री डिज़ाइन को इस तरह से डिज़ाइन किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। नीचे की तरफ आपने सीधे सीधे से पिनटक्स लगाने हैं, और जितने चौड़े आपने पिनटक्स लगाने हैं नीचे से जितना आपने डिज़ाइन करना है उसको आपने कटिंग कर लेना है। उसके बाद जोड़ में जो है ये वाली पत्तियाँ लगानी है, ये दो कलर की जो पत्तियाँ हैं ये मैंने अपने चैनल पे कितनी दफ़ा कई डिज़ाइनिंग में आपको बनाना भी सिखाई हैं, ठीक है। आप मेरा चैनल विज़िट करेंगी तो ये वाली पत्तियाँ आपको बनानी भी आ जाएंगी। तो ये बहुत आसान है, और इस तरह से आप अपने ट्राउज़र को डिज़ाइन कर लें। अच्छा, ये ऐसा डिज़ाइन है कि आप इसको जितना मर्ज़ी वॉश करोगी ना ये पत्तियाँ ख़राब होंगी ना ये डिज़ाइन ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिज़ाइन है ये वाला। तो ये इसकी शर्ट है, और शर्ट जो है ये जो सूट है कुछ लाइट कलर्स में है, ये इसमें थोड़ा सा मजेंडा कलर लाइट और डार्क है और वाइट कलर था, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये लेस लगाई है, लेस ये वाली ऑर्गेन्जा पे सूट के साथ ही मिली थी, सूट के साथ ही है। और नेक लाइन इसकी आप ये चेक करें, बहुत ही सादी और प्यारी सी नेक लाइन, बोट नेक लाइन एक कट के साथ बनाई है, और एक इसको लूप्स के साथ बटन लगा दिया, बहुत प्यारी नेक लाइन है। इसका जो दामन है ये देखिए, इसके कॉर्नर्स पे सिर्फ फ्रंट के ऊपर इस तरह से समोसा लगाए हैं पपड़ बना के, ठीक है, ये डबल समोसा लगाया है। तो इसकी बैक साइड पे जो है फेसिंग की है अंदर की तरफ, और फ्रंट पे देखें ये कॉर्नर इसका होगा, और बहुत प्यारा ये डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है और बिल्कुल क्रिएटिव डिज़ाइन। आप इसको ज़रूर कॉपी कीजिएगा, अपने किसी सूट पे आप ज़रूर बनाना। अच्छा, ये है जी इसका दुपट्टा इस सूट का, और दुपट्टे को शमोस की बाहर की तरफ बढ़ा के तो इस तरह से फेसिंग कराई है। ये फिर से इन हो रही है फैशन में, पहले भी बहुत इन होती थी। और ये देखिए ये मजेंडा कलर में ही इसकी मैंने की है, क्योंकि शर्ट में मजेंडा कलर है ना, तो ये पपर्स और पत्तियाँ और ये वाली जो फेसिंग है, आपने कलर कॉम्बिनेशन का ख़ास ख्याल रखना होता है अपनी डिज़ाइनिंग में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और